अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम खुशामदी जियानू एंड बखैर राहले। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत ही ज्यादा खुश और एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे पता है कि करियर क्राफ्टर को आप लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं द अनप्लग पाथ, क्योंकि इसमें आपको वो सीखने और जानने को मिल रहा है जो आपको कोई बहुत बड़ा एजुकेशनल क्या कहते हैं उसको कंसल्टेंट वो भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि जाहिर वो आपसे पैसे लेगा और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उन तमाम शोबों के मुतालिक, उन तमाम करियर के मुतालिक जो लोग आजकल परस्यू कर रहे हैं, आजकल जो इन है, जिनका बूम है। तो करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ एक और खूबसूरत एपिसोड, मुझे कहते हैं कुरतुल्ला नबासी, और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में ऑन टाइम हाजिर जनाब प्रेजिडेंट बॉस। तो हमेशा की तरह हमारे शो का, जैसे आपको अब पता है कि एक हमने एक रूल बनाया है कि हमारे शो में एक कोई ना कोई जो भी हम करियर डिस्कस करेंगे, कोई भी अगर एजुकेशनल फैकल्टी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ का एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होगा और वो आपको गाइड करेगा कि वो ऑन फील्ड है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसके किस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, और जब उसने दाखिला लिया था उस कोर्स में तब उसका माइंड सेट क्या था, और अब जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है, तो अब वो क्या महसूस करता है या करती है, क्योंकि जाहिर है कोई भी मेहमान हो सकता है। तो आज के शो में ये सारी बातें होने वाली हैं और बहुत ही ज्यादा आप लोग सीखने वाले हैं, ट्रस्ट मी, यकीन नहीं आ रहा तो आपको साथ रहना पड़ेगा। बाकी सारी बातें जो है ना वो थोड़ी सी पढ़ाई से रिलेटेड है, तो संजीदा है लेकिन बहुत कारामद होंगी। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू www.facebook.com/naisubainstitute। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072। तो आप अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसा करियर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं अगेन उसी नंबर पर 0330860072। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना शो। HR आजकल मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हॉट एक टॉपिक है लोगों के लिए कि हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में आपको HR का एक डिपार्टमेंट मिलेगा, क्योंकि HR अब रिक्रूट करता है, हायरिंग करता है और डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ताकि वो अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकें, किस तरह उनकी कंपनी जो है अच्छे से एक्सेल कर सकती है। तो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन हमने एक ऐसी गेस्ट को आज यहाँ पर बुलाया है जो ऑलरेडी HR की हैसियत से एक अच्छी और बड़ी कंपनी में जो है अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं और उनकी तरफ जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मिस निगाहत, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड कमिंग हियर इन आवर स्टूडियोस। वालेकुम अस्सलाम एनी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। और अच्छा लगा मुझे आपके शो में आके, और आपने जो अभी इंट्रो में कहा है कि HR बड़ी एक वाइटल और इम्पोर्टेंट फील्ड है, यस इट इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड वाइटल फील्ड बिकॉज इट्स अ पीपल सेंट्रिक रोल। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मतलब एक ना स्वैग है इस डिग्री का कि MBA इन HR। तो ये लोगों की कुछ मिथ्स हैं जो क्लियर मैं चाहती थी कि हमारे इस जो प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया है करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ, तो उसके थ्रू लोगों की वो मिथ्स क्लियर हों। तो आप से बहुत सारी बातें होंगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनको ये बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने क्या सोचा था, व्हाई HR? देखिए, एजुकेशन बैकग्राउंड के लिहाज से मेरी जब स्कूलिंग थी तो मैं उस वक्त आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है, मेडिकल की फील्ड थी मेरी, इंटर मेडिकल से किया, बट फिर मुझे उस वक्त फील हुआ कि नहीं, मैं शायद इसके लिए इतनी सूटेबल नहीं हूँ, बिकॉज ये मेरे पेरेंट्स के और मेरे घर वालों की वो एक मेरी तरफ से वो था, वो चाहते थे कि आई शुड बी अ डॉक्टर, बट मुझे खुद रियलाइज हुआ कि ये शायद मेरे लिए ये फील्ड सही नहीं है। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स की तरफ था, तो आई स्विच्ड माई फील्ड एंड I got admission in BCom. BCom किया, उसके बाद MBA किया। MBA मैंने फाइनेंस में किया, बट जब हम MBA करते हैं, और मेरा मेजर वैसे फाइनेंस था, लेकिन उस वक्त हमने जब HR पढ़ी मैंने, और ऑर्गेनाइजेशन OD का एक सब्जेक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, वो सब जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये बहुत एक तो इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत अहम फील्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मुझे अपनी नेचर के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा सूटेबल लगी। वाई? बिकॉज पीपल मैनेजमेंट में आई एम वेरी गुड एट, ठीक है, तो मैं लोगों के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनसे बात करना, उनकी चीज़ को सुनना, आई एम अ गुड लिसनर। तो इसलिए मैंने राइट आफ्टर MBA मैंने डिप्लोमा किया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट PIMS से, और वो 4 मंथ्स का एक प्रोफेशनल डिप्लोमा था जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, और उसके बाद मैंने अपना बाकायदा अपना करियर स्टार्ट किया, बिकॉज ये एक बैकबोन है एक ऑर्गेनाइजेशन की।
हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल होता है जिसको वो अचीव करते हैं, और उसमें एचआर का जो रोल है, जो कि अब इस वक्त करंट एरा में जो रोल है, आपने सुना होगा एक एचआर बिजनेस पार्टनर की भी टर्म यूज होने लग गई है। शुरू में तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के साथ बना था, उसके बाद इवॉल्व होता गया, अब ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि उनके जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, उनके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जिस तरह की चीजों को अलाइन करना होता है, एचआर उसमें उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है। क्योंकि हम बेसिकली काम करते हैं लोगों के लिए, तो लोग सही ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो गोल्स अचीव होंगे। तो ये रोल मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने सोचा कि मुझे फिर इसी फील्ड में होना चाहिए। एंड आई वर्क्ड ओवर मोर देन 12 इयर्स इन दिस फील्ड और स्टिल मैं अभी हूँ इसी फील्ड में। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड है। ऑलराइट मिस निगा, इसका मतलब है हम प्रॉब्लम सॉल्वर भी कह सकते हैं एचआर को उस इदारे के लिए जहां पर वो मौजूद है, क्योंकि रिक्रूट करना और ये बहुत दर्द सहने वाला काम है ना, कि आपके पास इतनी ढेरों ढेरों सीवीज आती हैं और आप उसमें से परफेक्ट सूटेबल जो पर्सन है, कैंडिडेट है, उनको निकालना ये बहुत मुश्किल काम है। तो एक एचआर करता है और आप ये काम करिए और पिछले 12 साल से कर रही हैं, अमेजिंग। अच्छा मिस निगा, यहाँ पर मैं एक और बात जो चाहती हूँ कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कराते हैं और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कराची में कुछ ऐसे इदारे जो आप रेकमेंड करना चाहें उन स्टूडेंट्स को जो इन फ्यूचर एचआर को एज अ फील्ड, एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो आप प्लीज उसे बताइएगा, और एज वेल एज कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वक्त के साथ कितनी आगे जा रही है, क्योंकि अब तो बहुत है, इसे मैं ये नहीं पूछूंगी इसकी इम्पोर्टेंस बताइए, लेकिन आगे आने वाले 10 सालों में आप एचआर को इसका स्कोप कहाँ देखती हैं? देखिए, मैंने आपको ये एचआर के स्कोप में बताया है कि ये एक ऐसा इदारा है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज डे वन से जो भी एम्प्लॉई कंपनी में आता है उसका फर्स्ट इंटरेक्शन एचआर से होता है अपॉइंटमेंट के लिहाज से, और जब वो जा रहा होता है तब भी एग्जिट इंटरव्यू एचआर ही कर रहा होता है। तो डे वन से लेकर लास्ट डे तक, और फिर वो बीच में भी जितने भी मैटर्स होंगे उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एचआर ही होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब बन गया है कंपनी का, तो इसका मतलब है कि वो सीनियर टॉप मैनेजमेंट के साथ, सीईओस, डायरेक्टर्स, उनकी जो स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स होती हैं या उनके जो डिसीजंस होते हैं उसमें जो एचआर के सीनियर लोग होते हैं, डायरेक्टर एचआर होता है या उनका जो हेड होता है, वो उनका की पर्सन होता है उन डिसीजंस को फाइनलाइज करने के लिए। तो स्कोप तो बहुत है और रोल्स भी बहुत सारे हैं इस फील्ड में, और जैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की, बिल्कुल एचआर के बंदे को प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट करने वाला भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास एक मास्टर डिग्री, एटलीस्ट MBA की डिग्री होनी चाहिए एचआर की। और गवर्नमेंट की जो है, तो हमारे पास जो गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जो करवाते हैं लेबर लॉ, क्योंकि देखें एक एचआर बंदे की जो सबसे स्ट्रांग चीज होती है वो उसकी सब्जेक्ट नॉलेज है, उसको लेबर लॉ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसको जो है उस ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसका मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और इसके अलावा उनको एचआर के भी जो मार्केट ट्रेंड्स और प्रैक्टिसेस हैं लॉस के हिसाब से, और जो भी वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल एचआर पर्सनल होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में। गवर्नमेंट के सेक्टर्स जो हैं उसमें तो एक नील आर्ट, आई थिंक एक इदारा है, इसके अलावा जहां से मैंने किया था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो पार्क टावर पे है, वो भी एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है। थैंक यू सो वेरी मच इतना डिटेल में ये मुझे आंसर करने के लिए, और हमारे लिसनर्स को भी यकीनन बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिला होगा। अच्छा, एक और जो मिथ है कि गर्ल्स ज़्यादा एचआर में होती हैं क्योंकि उनके लिए बड़ा इजी होता है ना, बातें बहुत ज़्यादा करती हैं, तो ये मिथ किस हद तक सच है बताइएगा, और बॉयज़ इसमें किस हद तक होते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर को हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही आपका जो कनेक्शन है और जो कॉन्टैक्ट होता है वो लोगों के साथ होता है, तो अगर सिर्फ कोई शख्स इस बेस पर कर रहा है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इधर आ रहा है कि मैं बहुत अच्छी बातें कर सकता हूँ, मतलब सिर्फ अच्छा बोलने की वजह से ही समझता है कि मुझे एचआर की तरफ जाना चाहिए और मैं इसमें अपना करियर जो है परस्यू कर सकता हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकता हूँ, तो क्या ये बात सच है या ये सिर्फ उसका वहम है कि सिर्फ अच्छा बोलने वाला शख्स कोई एचआर बन सकता है? और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम किस तरह से एचआर से डिफरेंशिएट करेंगे, आप इनको थोड़ा सा अगर मजीद एलैबोरेट कर सकें ताकि लिसनर्स को पता चले कि क्या फर्क है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर में? देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो जाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो कि वहाँ की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं उनको देख रहा होता है, और उस लिहाज से कुछ जो पब्लिक डीलिंग है वो करना होती है। लेकिन एचआर पब्लिक डीलिंग नहीं करता, देखिए फर्क है,
एचआर के जो कस्टमर्स हैं वो एक्सटर्नल कस्टमर्स नहीं होते, एचआर वर्क फॉर एम्प्लॉयज, ठीक है। वो जो इंटरनल कस्टमर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो कि एम्प्लॉय होते हैं, वो उन पर फोकस करता है, उनके लिए काम करता है। हमारा इंटरेक्शन एक्सटर्नल कस्टमर से नहीं होता, वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं जो कि डील करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम इंटरनल लोगों के लिए, पब्लिक के लिए या इंटरनल रिसोर्सेज जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको मैं इंटरनल कस्टमर का नाम दे रही थी, उस पे काम करते हैं, विच इज स्टाफ, विच इज एम्प्लॉई। एचआर रिक्रूटमेंट को देख रहा होता है, जिसमें टैलेंट एक्विजिशन आ जाती है। एचआर जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को देखता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखता है, कंपनसेशन प्लानिंग, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें देखता है। इसके साथ साथ एचआर का एक रोल होता है कंप्लायंस का। कंप्लायंस मींस ये कि जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी बनी है उन पे अमल हो रहा है कि नहीं। तो एक कंप्लायंस ऑफिसर का भी रोल और एक कंप्लायंस का भी बहुत बड़ा डोमेन एचआर का होता है। लेकिन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीजें नहीं आती हैं, ये डिफरेंस है, बिकॉज वो आउटसाइड लोगों को या पब्लिक को या गवर्नमेंट सेक्टर को या इस तरह की चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं, एचआर उस चीजों को नहीं कर रहा होता। एचआर जस्ट फोकस ऑन स्टाफ, उनको रिक्रूट करना, उस पूरे प्रोसेस को करना, उसके बाद जब वो आ गए हैं तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनका उनका करियर सक्सेशन प्लानिंग, ये सारी चीजें, उनकी सैलरी एंड ऑल दैट। Alright, listeners, I hope आप लोग enjoy कर रहे होंगे मिस निगत के साथ हमारी गुफ्तगू, और बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। 0330860072 is the number। तो मिस निगत, मैंने एक और क्वेश्चन किया था कि बहुत सारे लड़के सोचते हैं एचआर ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं, लड़के एचआर में नहीं होते, आई डोंट नो इसका क्या रीजन है, तो आप इसे प्लीज क्लियर कीजिए, तो फिर मैं अपना दूसरा क्वेश्चन करती हूँ। नहीं देखें, ये एक मेरे खास एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे बहुत की पोजिशन पे मेल भी बहुत नजर आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शायद एचआर में आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए और आपको एक कंपोज पर्सनालिटी का मालिक होना चाहिए। तो मुझे अपने अंदर एक क्वालिटी लगती थी, तो मैंने इसलिए एचआर की फील्ड को चूज किया था। ये नहीं कि इसमें कोई कामयाब फीमेल होंगी या मेल होंगे, इसमें दोनों ही बहुत कामयाब है, बहुत अच्छी की पोजिशन पे मेल भी हैं और फीमेल्स भी हैं। लेकिन कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि एक बंदे में होनी चाहिए, जिसके बाद वो इस फील्ड में एक अच्छा और एक सक्सेसफुल करियर बना सकता है। कमाल, मतलब ऑसम बात की, और मैं 101% इत्तेफाक करती हूँ कि खवातीन में ज्यादा सब्र होता है, पेशेंस उनमें बहुत होता है। लिसनर्स, अगर आप इस बात से जो है इत्तेफाक करते हैं, तो 0330860072 इज द नंबर, वहां पर आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हमें चाहिए। और अच्छा मिस, आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, तो मेरे एक या दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इजाजत दूंगी कि आप जा सकती हैं। तो मिस निगत, मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, जरा अगर आप क्लियर कर सकें, कि बहुत सारे लोग जो 2 इयर्स वाला ग्रेजुएशन करते हैं, जो जाहिर सी बात है आजकल तो उसे एसोसिएट डिग्री कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, लेकिन जाहिर है पहले से चल रही है, तो बीए, बीकॉम, बीएससी वाले भी जो है वो एमबीए करते हैं एचआर में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, तो और वो लोग भी करते हैं जिन्होंने बीबीए किया हुआ होता है, और साइंस, इंजीनियरिंग, मतलब हर फील्ड से आप एमबी की तरफ आ सकते हो, तो इनमें कोई मतलब फर्क पड़ता है अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हो और आप एकदम स्विच करते हो? जैसे आपने कहा कि आपने इंटरमीडिएट जो है वो साइंस से किया, फिर ऑल ऑफ द सडन आपको लगा कि नहीं, ये तो मेरी टाइप नहीं है, मैं इस चीज के लिए बनी हूँ, तो कोई फर्क पड़ता है या नहीं? नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर किसी शख्स के अंदर कुछ स्किल्स और कुछ क्वालिटीज हैं जो कि एचआर के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो अगर उसके अंदर है ऑलरेडी, तो वो बहुत जल्दी इन चीज़ों में जो है वो एडजस्ट कर लेगा। कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बीकॉम करके या बीएससी करके भी अगर एमबीए में कर लेता है, बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, बिकॉज इसके लिए कुछ सर्टेन क्वालिटीज होनी चाहिए एचआर पर्सन के लिए। बिकॉज देखें, एचआर जो है वो फेस ऑफ द कंपनी होता है, यानी जो भी मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं वो थ्रू एचआर कम्युनिकेट हो रहे हैं स्टाफ को, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो वो कुछ सख्त भी होते हैं, कुछ पॉलिसी बार दफ़ा बड़ी फर्म भी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोग सुन के पसंद भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि लोगों को पेशेंस भी रखना चाहिए, आपको गुड लिसनर भी होना चाहिए, लोग आके कभी किसी बात पे नाराज़गी भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें हर स्टाफ मेंबर को, चाहे वो किसी भी पोजिशन पर हो एचआर में रहते हुए, आपने सबसे पहले कुछ चीज़ों को माइंड में रखना होता है। एक तो एक रिस्पेक्ट ऑफ द स्टाफ, उसकी डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे आप उससे कोई भी बात कर रहे हो या वो कोई भी बात कर रहा हो,
इस चीज को हमें माइंड में रखना है कि अपने स्टाफ को हमें रिस्पेक्ट बहुत देना होती है, ठीक है। इस लिहाज से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप जो कह रही थी कि बहुत बातूनी लोग एचआर में आते हैं, नहीं, बातूनी लोग नहीं चलेंगे, वो लोग चलेंगे जो कि बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकें, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन हो, वो गुड लिसनर हो, उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हो, यानी वो लोगों के साथ एक अच्छे से डील कर सकें, जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो लेबर लॉ की, ताकि जब वो कोई बात करें तो उनके पास एक सॉलिड रीज़न हो, कोई जस्टिफिकेशन हो उस बात की, कोई पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो रही है विच इज़ वेरी फर्म, बट अगर वो लॉ के हिसाब से है तो आप उसे अच्छे से उनको बता सकें, उसकी जस्टिफिकेशन दे सकें और उनको कन्विंस कर सकें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला एक एलिमेंट होना चाहिए कि आप कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, चाहे वो ओपिनियन का कॉन्फ्लिक्ट हो, नॉट ओनली कि वो कंपनी के साथ हो, किसी दो स्टाफ मेंबर्स में भी झगड़े हो जाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली चीज होनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक माइंडसेट होना चाहिए। आपको पता हो कि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उस लिहाज से वो एक स्ट्रेटेजिक जो एक आपका यू नो डिसीजन मेकिंग वाला माइंडसेट है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिसके अंदर हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर वो पीपल को अच्छे से मैनेज कर सकता है तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। पीपल मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये एक पीपल सेंट्रिक रोल है जिसमें आपको लोगों के साथ ही अपने ही लोगों के साथ डील करना है, और आपने जो है वो कंपनी की जो पॉलिसी और डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना होता है। इन एनी केस इसमें आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, एक बहुत डिसेंट वे में उसको कम्युनिकेट भी करना होता है और लोगों को कन्विंस भी कराना होता है। इसके अलावा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे एचआर वालों को जो है वो बड़ी तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग मीन्स के यू शुड नो के हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, उसके लिए अपने आप को कैसे आप प्रोमिनेंट कर सकते हैं। इसमें आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका जो है वो एक अच्छा होना चाहिए, आप लिंक्डइन पे अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए, आपकी वहां पर एक रिकग्निशन बने, प्रोफेशनल रेपुटेशन अपनी एक बनाइए, यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर के लोग हैं उनको आपस में इंटरेक्ट करना चाहिए, एक आपका एक सोशल सर्किल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जो बिगिनर्स हैं उनको ये करना चाहिए कि वो लिंक्डइन पे सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाएं और ऑब्जर्व करें और कनेक्ट होना शुरू हो एचआर के डिफरेंट लोगों से। तो इन स्किल्स के साथ साथ अगर आपकी क्वालिफिकेशन यानी आपका मास्टर्स और आपके पास कोई सर्टिफिकेशन भी है तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, नॉट इन योर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है कि इंटरनेशनल इसके कोर्सेज भी हैं और जो लोग वाकई सीरियस है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। लिसनर्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज समथिंग फॉर यू, आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आपने जो इंटरपर्सनल स्किल्स की बात की तो मुझे लगता है कि एक एचआर को ऑलराउंडर होना चाहिए, उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी आनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट आपने बताया उसे वो रिजॉल्व करना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी ओवरऑल एक इंटरपर्सनल स्किल्स में जितनी चीजें आती हैं कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, उसे हर चीज में मुझे लगता है परफेक्ट होना चाहिए, जितना मैं आपकी बातों से समझी हूँ। मिस निगत, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सबसे जो मोस्ट रिलायबल डिपार्टमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो एचआर होता है, और जब लोगों को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना होती है तो वो सबसे पहले एचआर को ही अप्रोच करते हैं, एंड दे शुड अप्रोच टू एचआर रादर देन कि हम किसी और लोगों से पूछें जो कि हमें मिसगाइड कर दें। एचआर के पास ही लोगों को आना चाहिए, और एचआर के देखें एचआर की इम्पोर्टेंस आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा है, आपने ये भी सवाल किया था, बिकॉज इट्स अ क्रूशल रोल बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजन। नंबर वन के एचआर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैलेंट एक्विजिशन में, इंश्योर करता है कि राइट पीपल जो हैं राइट स्किल के साथ किसी कंपनी में आए, क्योंकि देखें ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, नॉट ओनली पैसों की इन्वेस्टमेंट बट टाइम की भी। एक अच्छे कैंडिडेट को ढूंढना बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, जैसे आपने भी कहा था, तो ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसमें ना सिर्फ टाइम कंज्यूम होता है बल्कि एक अच्छा अमाउंट भी होता है। तो एचआर डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक सही बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ढूंढे। इसके अलावा ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन पर, एक पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर को जो है वो एचआर ही मेंटेन करवाता है, बिकॉज क्योंकि रूल रेगुलेशन की कंप्लायंस की जैसे मैंने बात की थी, तो एक अच्छा कंपनी के कल्चर को भी रखने का जो क्रेडिट है वो एचआर के सर ही जाता है। इसके अलावा ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल होता है इन मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज या प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी,
डाइवर्सिटी मीन्स के अब बहुत सारी जगहों पे, जैसे हम कहीं इंटरनेशनली काम करते हैं, जैसे मैंने खुद भी यूएई में काम किया, तो वहां पर एचआर एक ही नेशनैलिटी को नहीं अपॉइंट कर सकता, उसको डाइवर्सिटी रखनी होती है, तो डिफरेंट नेशंस के लोगों को उनको रखना होता है, कोई फेवरेटिज्म नहीं होता। इसी तरह मेल फीमेल में भी आप सारी पोजिशन मेल्स को नहीं दे सकते, आप फीमेल्स को नहीं दे सकते, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली जो चीज होती है ना, वो मेंटेन करनी होती है। तो इन सारी चीजों में एचआर का ही रोल होता है कि वो इन सारी चीजों को रखे, कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, वो डाइवर्सिटी करे, पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर को मेंटेन करे, राइट लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो सके। मिस निगा, थैंक यू सो वेरी मच। और एचआर के हवाले से बहुत सारी जो मिथ्स थी, मिसकंसेप्शन थे, वो आपके यहाँ आने से क्लियर हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस तरफ जाने का सोच रहे थे, अब वो काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे कि अब जाना है या नहीं जाना है। अच्छा मैम, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वक्त बहुत कम रह गया है, तो आखिर में मैं आपसे दो चीज़ें जानना चाहूँगी और उसके बाद हम इजाज़त लेते हैं आपसे। मैम, एक तो मुझे आपने ये बताना है कि आपने मैसेज देना है, ठीक है, वो मैं पहले पूछ रही हूँ आखिरी सवाल, और दूसरा आपने ये कि किन लोगों को आप रेकमेंड करती हैं कि वो आएं और आगे का हिस्सा बने। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने कुछ क्वालिटीज बताई हैं, तो ये सारी क्वालिटीज तो होनी चाहिए, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज है, नहीं है तो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। आजकल वन क्लिक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, तो जो लोग आना चाहते हैं वो अपने आप को पहले इक्विप करें नॉलेज के साथ। इसके अलावा जो है लेबर लॉ की नॉलेज मैंने आपको बताया, मल्टीटास्किंग होना चाहिए। एक एलिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉन्फिडेंशियलिटी का होता है, बिकॉज एचआर के पास तमाम स्टाफ की पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उनके पास उनका सैलरी का डेटा होता है, उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी जो मेंटेन नहीं कर सकता, आई डोंट रिकमेंड, ठीक है। चुगलखोर टाइप के लोग या जो लोग पेट के हल्के होते हैं उनको बिल्कुल एचआर में नहीं आना चाहिए, और बड़ा न्यूट्रल माइंडसेट होना चाहिए। आप अगर कंपेयर करने में लग जाएंगे कि भाई इसको इतना मिल रहा है, उसको ये फैसिलिटी मिल रही है, उसको ये मिल रहा है, तो आप एचआर में काम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉई को उनकी स्किल और उनके हिसाब से रिवॉर्ड देती है। डिफरेंट केटर पर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सीनियर मैनेजमेंट के लिए अलग होता है, मिडिल मैनेजमेंट के लिए अलग चीज़ें होती हैं, उसे पता हो कि ये क्यों किसको मिल रहा है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बार दफ़ा हमारे पास लोग आते हैं बहस करने के लिए कि इसको इतना क्यों मिल रहा है, मुझे इतना क्यों मिल रहा है, तो एचआर को जब पता होगा और वो खुद कन्विंस होगा कि भाई किसी को क्यों मिल रहा है इतना, तो वो दूसरे को भी एक्सप्लेन कर पाएगा। मिस निगा, वाकई ये बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, और भाई सुन लें, अगर ये वाली चीज़ें हैं तो सोचिएगा भी मत। मिस, आपका फाइनल, आपके लास्ट वर्ड्स फॉर दोस्त जो ये करना चाहते हैं, और उनके लिए आप कोई भी पैगाम अगर देना चाहेंगी ना, तो प्लीज़ दे दीजिएगा। जी, मैसेज मैं आपको ये दे रही हूँ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है, इसमें मैं रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर आएँ, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मैनेजमेंट के साथ आपको बड़ा क्लोजली काम करने का मौका मिलता है, सही है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अलावा ये एक थोड़ा डोमिनेंट रोल होता है, तो जिन लोगों को अपने आप को डोमिनेंट करने का शौक है, जो चाहते हैं कि वो ऐसे रोल में आए कि थोड़े डोमिनेटिंग हो, तो एचआर का रोल तो है ही ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक आए बच्चे, आए, बिल्कुल रिकमेंड करेंगे, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और आजकल नए ट्रेंड के साथ जरूर फेमिलियर करें, अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को पढ़ें, रिसर्च ओरिएंटेड बने, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ये सारी चीजें, इस पे अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को अपडेट करें और एंजॉय करें। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें बताई। इट्स रियली फ्रूटफुल फॉर द पीपल हु वांट्स टू ज्वाइन एचआर एज अ करियर इंशाल्लाह इन फ्यूचर। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। थैंक यू एनी, मुझे भी बहुत मजा आया, आपके क्वेश्चंस भी अच्छे थे, और ये अच्छी बात है कि अगर न्यू जनरेशन इस शो को सुनकर और उसके लिए कुछ अच्छी नॉलेज हो तो दैट्स वेरी गुड। थैंक यू। ऑलराइट लिसनर्स, तो ये थी हमारे साथ मिस निगा, और उन्होंने एचआर के हवाले से काफी अच्छी बातें बताई, यकीनन आप लोगों के लिए ये कारामत साबित होंगी, और इतने खूबसूरत शो के बाद तो थोड़ा सा अगर ऐसा हो जाए तो इतना भी कोई खास मसला नहीं है। घड़ी की सुइयां हमें बता रही हैं कि भाई वक्त हुआ चाहता है एक्चुअली आप लोगों से इजाजत लेने का, और आज बहुत मजा आया करियर क्राफ्टर अनप्लग्ड पॉड का एक और मजेदार एपिसोड, और बहुत ही ज्यादा
फ्रूटफुल था क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा इसमें से. तो आप लोगों के लिए भी यकीनन बेनिफिशियल होगा और आप लोग जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा. और जाते जाते हमेशा की तरह यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे रंजिशों और दावतों में बिल्कुल जाया मत करें. थिंक पॉजिटिव एंड हैव पॉजिटिव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा. वक्त जिंदगी और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. Hasta la vista.